शिक्षा के साथ बच्चों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे गिरिडीह के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में 2 साल बाद बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, जब स्कूल प्रबंधन सलूजा गोल्ड ने वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आशाएं का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में दौड़ से लेकर कई तरह की प्रतियोगिता शामिल किए गए थे। स्कूल की प्राचार्य समन्वयक रमनप्रीत सलूजा ने कहा कि महामारी के बाद बच्चों का माहौल ही पूरा बदल चुका था। मोबाइल को ही बच्चों ने अपनी दुनिया बना लिया था, लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन ने इस खास वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया, ताकि बच्चे खेल की दुनिया से जुड़ सकें और उनका मानसिक विकास हो। वहीं स्कूल के निदेशक जोरवार सिंह सलूजा ने कहा कि काफी प्रयास के बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षकों से सुझाव लिए गए कि बच्चों को अब नया माहौल किस प्रकार देना है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक बेहतर पीढ़ी का निर्माण कर सकता है, और यह तभी संभव है जब बच्चों को उनके अनुसार माहौल मिल सके। आज हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम रखा गया है, आशाएं हम लोगों ने इस पर थीम रखी है। मुझे बहुत खुशी है कि 2019 के बाद ये काफ़ी समय बाद हमें वापस मौका मिला है, हमारे बच्चों को मौका मिला है अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का। लास्ट पिछले 5 दिन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर बच्चे ने मोर और लेस मैक्सिमम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, रेसिंग से लेकर स्विमिंग से लेकर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, हर एक स्पोर्ट पर। आज सिर्फ उनके फाइनलिस्ट हम लोगों ने जो चूज़ किए थे, जो पीछे 5 दिनों में जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम हुए हैं, उनके जितने भी फाइनलिस्ट थे वो आज अपना फाइनल जो डिसीजन उसके लिए जिनका आएगा जो आज फाइनल लेते हैं, फिर जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आगे बता रहे हैं। और फिर से एक बार मुझे काफ़ी खुशी है कि सारे पेरेंट्स का इतना अच्छा सपोर्ट रहा है, बच्चों का इतना एंथुसियाज्म रहा है, जिसके कारण आज का प्रोग्राम इतना ग्रैंड और इतना सक्सेसफुल होता है। इस प्रतियोगिता में नन्हे बच्चों और बच्चियों के बीच दौड़ कराया गया, तो थीम सॉन्ग आशाएं पर ही बच्चियों ने नृत्य भी पेश किया। कई प्रतियोगिता के साथ हुई वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के मौके पर सफल प्रतिभागियों को स्कूल प्रबंधन की ओर से चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा और ओलंपिक संघ के पदाधिकारी हरभजन सिंह के साथ प्राचार्य नीता दास ने प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।